ओम हनुमते नमः। नमस्कार मित्रों, मैं अविरल त्रिवेदी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नीति। मित्रों, विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आजकल हम भगवान विष्णु के अवतारों के ऊपर चर्चा कर रहे थे, उसी कड़ी में आज बात करते हैं भगवान विष्णु के होने वाले 24वें अवतार कल के अवतार की। जैसा कि आप जानते हैं कि कल के का अवतार अब भविष्य में होना है, इसको मिलाकर विष्णु जी के कुल अवतारों की संख्या 24 हो जाएगी। मित्रों, हमारी इस श्रृंखला का यह अंतिम वीडियो है। आगे के वीडियोज भगवान शिव के अवतारों पर आधारित हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु के 24वें अवतार कल्कि का अवतरण होना है। यह अवतार कलयुग के अंत में होगा। श्रीमद् भागवत पुराण में भगवान विष्णु के अवतारों की कथाएं विस्तार से लिखित रूप में मौजूद हैं। इसी पुराण के 12वें स्कंद के 2वें अध्याय में भगवान के कल्कि अवतार का विवरण है, जिसमें कहा गया है कि भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के मुरादाबाद जिले के संभल ग्राम में विष्णु यश नामक श्रेष्ठ ब्राह्मण के पुत्र के रूप में भगवान कल्कि का जन्म होगा। शास्त्रों में वर्णित है कि श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को यह अवतार होना तय है, इसीलिए यह शुभ तिथि कल्कि जयंती के रूप में मनाई जाती है। कल्कि अवतार के समय ग्रहों की जो स्थिति होगी उसके बारे में दक्षिण भारतीय ज्योतिषियों की गणना के अनुसार जब चंद्रमा धनिष्ठा नक्षत्र और कुंभ राशि में होगा, सूर्य तुला राशि में स्वाति नक्षत्र में गोचर करेगा, गुरु स्वराशि धनु में शनि अपनी उच्च राशि तुला में विराजमान होगा। कल के अवतार देवदत्त नामक घोड़े पर सवार होकर संसार से पापियों का विनाश करेंगे और धर्म की पुनर्स्थापना करेंगे। भारत में कल के अवतार के कई मंदिर भी हैं। जयपुर में हवा महल के सामने भगवान कल्कि का प्रसिद्ध मंदिर है। इसका निर्माण सवाई जयसिंह द्वितीय ने करवाया था। इस मंदिर में भगवान कल्कि के साथ उनके घोड़े की प्रतिमा भी स्थापित है। पुराणों में वर्णित कथा के आधार पर कल्कि भगवान के मंदिर का निर्माण सन 1739 में दक्षिणायन शिखर शैली में कराया गया है। कल्कि अवतार की पूर्ण कथा कल्कि पुराण में से प्राप्त होती है। इसके अनुसार विष्णु जी का 24वां अवतार 4320वीं सदी में कलयुग के अंत के समय अवतार लेगा। इस पुराण में प्रथम मार्कंडेय जी और सुखदेव जी के संवाद का वर्णन है। आगे की कथा में कहा गया है कि भगवान कल्कि विवाह के उद्देश्य से सिंघल द्वीप जाएंगे। वहां जल क्रीड़ा के दौरान उनका परिचय राजकुमारी पद्मावती से होगा और उन्हीं से उनका विवाह होगा। कल्कि पुराण में आगे कहा गया है कि हरिद्वार में कल्कि जी ने मुनियों से मिलकर सूर्यवंश का और भगवान राम के चरित्र का वर्णन किया गया। बाद में शशिध्वज के साथ कल्कि के युद्ध का भी वर्णन है। भगवान कल्कि की माता का नाम सुमति बताया गया है। कल्कि भगवान के गुरु भगवान परशुराम जी होंगे। परशुराम जी स्वयं श्रीहर विष्णु के अवतार हैं। इन्हें अमरत्व का वरदान प्राप्त है। इनके निर्देश पर कल्कि भगवान तपस्या करेंगे और दिव्य शक्तियों को प्राप्त कर अधर्म का अंत करेंगे। रामावतार के समान ही कल्कि अवतार में भी भगवान के चार भाई होंगे। इनके अन्य तीन भाई सुमंत, प्राज्ञ और कवि के नाम से जाने जाएंगे। भगवान कल्कि के चार पुत्र होंगे, जय, विजय, मेघमाल और बलाहक। बहुत से विद्वान यह मानने लगे हैं कि कलयुग अत्यंत तीव्र गति से अपना कालचक्र पूर्ण कर रहा है, अतः कल्कि अवतार बिल्कुल होने के करीब है या हो चुका है। मित्रों, हमारी यह श्रृंखला आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी है तो कृपया लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। नमस्कार।